हमें खाना भी नहीं खाया था, मंडी लेट हो जाएगा चढ़ के, और लेट तो हो ही गया है। तो गाइस सबसे ज्यादा हाइट मेरे गाड़ी में है, तो ये लोग गाड़ी में तो उतना हाइट है नहीं। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय न्यू व्लॉग। तो आज है 7 तारीख और आज मेरा एग्जाम था, तो एग्ज़ाम देकर आ गया हूँ मैं। वही सुबह 9 बजे से 12 बजे तक का एग्ज़ाम था मेरा, 3 घंटे का। तो एग्ज़ाम देकर तो आ गया हूँ। और यकीन भाई है अपना, देखो गाइस यकीन भाई है। तो यकीन भाई को मैं लोडिंग पे भेजा था, जो कि आए हैं वही घर से 25 किलोमीटर दूर आए हैं, जो कुमारी के अंदर है, मुरमुंदा के आसपास है कुमारी का। तो मैं अपने बाइक से आया हूँ, ये देखो मेरा बाइक खड़ा है। तो मैं अपना बाइक लेकर आया हूँ यहाँ पर, गाड़ी अब मैं लेके जाऊँगा यहाँ से गाड़ी को, जो कि गाड़ी जाएगा बोकारो। अभी आए हैं चौड़ा फार्म है ये, जो जगह बाड़ी का नाम है चौड़ा। तो अब यहीं पर हम लोग का अमरूद जाम बन रहा है, जाम लोड होगा यहीं से। और यकीन भाई अभी घर जाएगा, क्या है उसका नाइट ड्यूटी चल रहा है, वो सिस्कॉल भिलाई में कंपनी, वहाँ पर काम करते हैं। तो अभी चलते हैं गाइस, अभी अकेले जाना है मेरे को। और मेरा 9 तारीख को एग्ज़ाम है और आज 7 तारीख है, देखते हैं। एग्ज़ाम नहीं छोड़ना है मेरे को, आना ही पड़ेगा। पर माल देखते कब तक बनेगा, अभी दोपहर का 1:30 बज चुका है, जल्दी से निकलना भी पड़ेगा यहाँ से लोड करके। तो ये रहा यकीन भाई, गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, वो पुरानी वाली गाड़ी थी। मेरे गाड़ी में देखो गाइस ये लिखा हुआ है, ये वाली गाड़ी नहीं एक्सीडेंट हुई थी, ये मेरी नई वाली गाड़ी है। अब यकीन भाई जा रहे हैं घर, जा रहे हो भाई, बाय। तो ये मेरी गाड़ी है, गाड़ी नंबर देख लो गाइस, 3885 3885, बाय। तो अभी और मेरा जो एग्ज़ाम चलेगा, वो एग्ज़ाम चलेगा अभी मेरा 19 तारीख तक, अभी और मेरा एग्ज़ाम चलेगा, उसके बाद ही मैं कहीं जा पाऊँगा। लेकिन एक चक्कर अभी मारना पड़ेगा मेरे को, क्या अभी बहुत हालत ख़राब हो चुकी है। शाम का 4:30 बज गया और अब उधर मैं जा रहा हूँ गाड़ी लगाने। अपनी गाड़ी लगा दिया हूँ और फाइनली कार्टून, ये कार्टून अपने गाड़ी में लोड होगा। अभी जाम लोड करके मैं निकल गया हूँ, 5:30 हो गया है, बाड़ी में ही हूँ मैं। देखो यहाँ गोभी लगा हुआ है, ये गेट खोल दिए हैं, ये भी है, हो गया। तो चलो अभी निकलते हैं। तो अभी कुमारी पहुंच गया हूं मैं, और यहीं पर मेरे को गाइस हो गया 6:10 6:20 हो गया यहीं पर। अभी मेरे को कुमारी पहुंचते अब पता नहीं कैसे गाड़ी जाएगी। देखो कुमारी का जो हाईवे अब मिल गया अपने को, यहां हाईवे पकड़ लेते हैं अब सीधा। शाम का टाइम है, वही 6:30 बज रहा है। अब तो अब आराम से ही गाड़ी चलाना पड़ेगा मेरे को रायपुर पार करते तक, क्या कि भगा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो ट्रैफिक में गाड़ी नहीं भगाऊंगा मैं, आराम से ही चलाऊंगा। वैसे भी टाइम तो फेल हो चुका ही है, कोई रिस्क ले कोई मतलब नहीं है। तो अभी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, क्या है कि गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। मैं 27-28 तारीख को लास्ट चलाया था, उसके बाद आज चला रहा हूँ गाड़ी, 7 तारीख है आज। तो काफ़ी ज़्यादा आज ट्रैफिक है देखो, अरे डेली का है रायपुर में तो रहता है, ये VIP रोड है, डेली जाम रहता है यहाँ पर। तो मैग्नेटो मॉल रायपुर का रोड पे ही है। बहुत टाइम बाद मैं निकल गया हूँ जाम से, और अभी सीधा मंदिर रसौद के आगे में, टोल के आगे में रोका हूँ डीजल फुल करवाने के लिए। यार टंकी फुल कर दो। तो डीजल फुल हो गया मेरे गाड़ी का, और देखो गाइस लीकेज हो रहा है, ज़्यादा डीजल फुल हो गया। तो देखो कितना सारा डीजल गिर गया मेरे टंकी से, लगता लीकेज है। रुको दिखाता हूँ मैं कहाँ से हो रहा लीकेज, मेरे को पता नहीं है। ये देखो गाइस टंकी गीला हो गया है, तो लगता है वही मेन वाला है, वहीं से लीकेज है डीजल का, दिक्कत नहीं है। चलो अब चलाते हैं, अब घर जाने के बाद ही बनेगा ना, थोड़ा डीजल गिरेगा और क्या होगा। और मेरा डीजल आया है देख लो,
4,493 रुपये। अभी 7:30 हो गया है और हमेशा की तरह मैं रुका हूँ नदी मोड़ में, जहाँ मैं हमेशा रुकता हूँ। चलो कुछ खाने के लेते हैं, भूख तो बहुत तेज लगा हुआ है। अब पता नहीं कैसे अभी रात भर गाड़ी चलाना मेरे को, मैं 10-15 दिन बाद आया हूँ तो देखते चला तो लूँगा, एक्सपीरियंस थोड़ी हो दूंगा अपना। देखो गाइस रोड के पूरा साइड लगाया हूँ गाड़ी, रोड से पूरा नीचे उतार दिया हूँ। चाबी को हमेशा निकाल लें, लॉक कर देते हैं। और गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा गंदी है, क्या कि घर नहीं आई थी ना तो धुली नहीं है गाड़ी ज़्यादा। अरे देखो हाइट कितना लोड है, और साइड में हाथ तिरपाल मार रहा हूँ और पीछे से मेरा। तो आ गया हूँ मैं लेकर, अभी खा कर चाय पिया हूँ और एक तो पॉपकॉर्न लिया हूँ अपने लिए, खाने के लिए टाइम पास होगा। और अभी यहाँ से संबलपुर बचा है 230 किलोमीटर लगभग संबलपुर बचा हुआ है, अभी लगभग 700-650 अभी बोकारो और बचा हुआ है। देखते हैं सुबह खींचते हैं, सुबह पहुंचना है मेरे को, क्या है कि 7 तारीख को मेरा एग्जाम भी है तो जाके आना भी पड़ेगा। अभी निकलते हैं नॉनस्टॉप, ज़्यादा रुकना नहीं है अब मेरे को, तो खाना तो मैं खा नहीं सकता। रोड तो काफी बढ़िया है लेकिन जो यहाँ का रोड का जो टोल है वो बहुत खर्चा है। सबसे पहले कुमारी में लगता है 15 रुपये, उसके बाद मंदिर असौद में लगता है 65 रुपये, उसके बाद पिथौरा में पड़ेगा जो कि 245 लगेगा, उसके बाद सीधा आएगा ये सरायपाली वाला, सरायपाली में लगता है 200 रुपये, उसके बाद पड़गढ़ में आएगा उड़ीसा में एक टुक जो कि फास्टैग में कटेगा वो 155 रुपये कटेगा, उसके बाद बाकी जो भी है कैश लगेगा एक जगह, वही एक जगह लगेगा कैश 60 रुपये और एक जगह 95 रुपये जो कि फास्टैग में, पूरे फास्टैग का खर्चा बता दिया आप लोग को आज में इतना खर्चा लगेगा। तो अभी चलते हैं फटाफट, बॉर्डर भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं बचा होगा, बॉर्डर बचा होगा 15-20 किलोमीटर, उसके बाद सोहला ढाबा बचा होगा 10-15 किलोमीटर वहाँ से, उसी तरह सोहला ढाबा में चलते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई लड़का अपना पहचान का मिल ही जाएगा। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ सोहला ढाबा और अभी 10 बज गए रात के और यहाँ पे ब्लैक गाड़ी ना दिखे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये देखो गाइस अपना सुनील भाई और यहाँ पे दो गाड़ी और है, एक गाड़ी और। अभी यहाँ पानी बोतल में क्या ना नदी मोड़ में जहाँ रुका था वहाँ पानी बोतल लिया था लेकिन मैं लेके आना भूल गया था, पैसा भी दे दिया था उसको। तो अभी यहाँ पर पानी बोतल लेते हैं, कुछ तो खा नहीं सकता, तुरंत निकलना पड़ेगा मेरे को, तो चलो पानी बोतल ले लेता हूँ यार मैं। तो ये देखो पानी बोतल ले लिया हूँ मैं जो कि एक्वाफिन है। अब क्या ना मैं जहाँ भी जाता हूँ तो पानी बोतल लेना ही पड़ता है मेरे को, मैं क्या बाहर का पानी ज़्यादा पीता नहीं हूँ। अभी तो गाइस सबसे ज़्यादा हाइट मेरे गाड़ी में है, तो ये लोग गाड़ी में तो उतना हाइट है नहीं। फटाफट निकलते हैं यहाँ पर, ज़्यादा देर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। चलो भाई लोग चलो। अभी पहुँच गया हूँ संबलपुर और अभी बज गया 11:40, बहुत तगड़ा वाला नींद आ रहा है मेरे को, अब फिर भी गाड़ी चलाना पड़ रहा है। अभी 430 किलोमीटर और बचा है यहाँ से बोकारो, देखते हैं और कितनी देर तक गाड़ी चलेगा मेरे से, अब पहुँचना भी कल ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रोड है जो कि कलकत्ता जाता है सीधा क्योंझर, तो अपने को जाना राहुल किला रोड में ही जाऊँगा, तो राहुल किला 172 किलोमीटर है। तो हे दोस्तों आप सभी को मेरे तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द माय व्लॉग। तो अभी मैं पहुंचा नहीं हूँ, अभी बज गया है 8:30 सुबह का और मैं अकेले नहीं आया हूँ, अपने साथ लेके आया हूँ, वो अपने दीपक भाई हैं, उनके भाई बड़े भैया को लेके आया हूँ जो कि आज मंडी घूमने का मन था उनको बोकारो का, तो है यहीं पर सब लोग, तो उनके साथ एक और भाई भी आए हैं। अभी हम लोग फटाफट चलते हैं मंडी पहुँचते हैं, अभी यहाँ से 60 किलोमीटर और बचा हुआ है, मैं गोला पहुँचा हूँ, अभी 1000 का और डीजल लिया हूँ रास्ते में। चलो भैया लोग, तो ये भैया लोग साथ में आए हैं मेरे जो कि वहाँ झारसुगड़ा से, वैसे दीपक भाई के बड़े बड़े भैया, हाय कर दो एक बार। अभी चलते हैं, तो रात भर गाड़ी चलाने के बाद भी अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं, भैया लोग को मैं रात में ले लिया था, वही कितने बजे पहुँचे थे भैया, मैं लोग
एक बज गया था वहां पर, मैं कहूँ झारचुपड़ा पहुंचते पहुंचते, और मैं खाना भी नहीं खाया था, मंडी लेट हो जाएगा चढ़ के, और लेट तो हो ही गया है अभी, बहुत तेज भूख लगा हुआ है मेरे को, पेट दर्द दे रहा है। जाते हैं वहां पर जाके खाएंगे, एक घंटा और लगेगा पहुंचने में। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं मंडी बोकारो अपना, और अपनी गाड़ी अभी लग गई है खाली, मैं रस्सी तिरपाल भी खोल दिया हूं, ये देखो। तो अभी जा रहा हूं मैं नाश्ता करने। इस प्यारे से ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।